तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोहित्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड के समक्ष मोहित्रा की याचिका का उल्लेख किया और इसे कल या शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग की। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टियों के लिए बंद हो रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड ने सिंघवी को एक ईमेल अनुरोध भेजने के लिए कहा और लिस्टिंग पर गौर करने के लिए सहमति व्यक्त की। सीजेआई ने कहा, मामला दर्ज नहीं किया गया होगा, अगर कोई ईमेल भेजा गया था तो मैं इसे तुरंत देखूंगा, कृपया मेल भेजें। सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि वे तुरंत ईमेल प्रसारित करेंगे। 8 दिसंबर को लोकसभा ने पश्चिम बंगाल की सांसद को कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को अपनाते हुए निष्कासित कर दिया था। लोकसभा ने मोहित्रा को निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। समिति की इस खोज के आधार पर कि वे लोकसभा सांसद पोर्टल की अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा करने की दोषी थी, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ और उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए व्यवसायी से उपहार और अन्य सुविधाएं अवैध रूप से स्वीकार की थी। अगर आपको यह खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए फॉलो करिए लाइव लॉ।